अरबों की संपत्ति दान की मगर घमंड रत्ती भर नहीं। सैकड़ों बूढ़ी माओं का ये बेटा पुराने स्कूटर पर चलता है। तो आइए जानते हैं इस बेटे के बारे में। करीब 600 करोड़ की कुल संपत्ति दान करने के बाद मुरादाबाद यूपी के उद्योगपति डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल इस युग के नए दानवीर कहे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी। उन्होंने 50 साल की मेहनत में खड़ी की अपनी संपत्ति में से मात्र मुरादाबाद सिविल लाइंस स्थित अपना घर अपने पास रखा। अरबों की संपत्ति दान कर देने वाले इस दानवीर के सादगी भरे जीवन की खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थान, वृद्धाश्रम और अस्पताल में के ट्रस्टी गोयल अक्सर अपनी पुरानी स्कूटी पर दिख जाते हैं। लोगों के बीच सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर गोयल अपने दान पुण्य कार्यों के कारण ही महादानी के रूप में पहचाने जाते हैं। 225 स्कूलों के मालिक रहे गोयल के परिवार के पास कोरोना काल के बाद 150 स्कूल बचे हैं। अन्य स्कूल कोरोना के दौरान गरीबों की मदद के कारण बंद हो गए हैं। जी हाँ, और वो अपने वृद्धाश्रम की वृद्ध महिलाओं के बीच उनके बेटे के रूप में जाने जाते हैं। वो इन वृद्ध महिलाओं के साथ माँ और बेटे जैसा संबंध रखते हैं और माँ की तरह ही इनकी सेवा करते हैं। यही वजह है कि ये सब महिलाएं इन्हें अपना बेटा मानती हैं। जिस तरह ये इन वृद्ध महिलाओं का बेटा बनकर इनकी सेवा करते हैं, उस तरह से कई सगे बेटे भी नहीं करते हैं। राह चलते अगर डॉक्टर गोयल को कोई गरीब दिख जाए तो उसकी मदद भी वो दिल खोलकर करते हैं। अमीर से लेकर गरीब तक उनकी सेवाओं के किस्से सुनता थकता नहीं है। और आपको बता दें कि अपनी सारी संपत्ति दान कर एक महादानी के नाम से अपनी पहचान बना चुके अरविंद गोयल को महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तथा सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियां सम्मानित कर चुकी हैं। डॉक्टर गोयल सिर्फ समाज की सेवा नहीं कर रहे बल्कि वो आने वाली पौध को सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। शहर के युवा इन्हें उनके सेवा भावना के कारण अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे बेटे के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।